हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप यूट्यूब चैनल टारगेट विथ अमित में। जी हाँ, बात करेंगे 69 शिक्षक भर्ती आरक्षण विसंगत मामले में। 6800 पदों की जो लिस्ट आई थी जिसमें 6800 लोग चयनित हुए थे, उनकी तमाम जानकारी, तमाम अपडेट क्या रहा, कोर्ट सुनवाई क्या रही, अगली रणनीति क्या है, तमाम जानकारियों के साथ जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल से नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। आइए देखिए, कल जो है सभी जो है देर रात संदीप सिंह माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री से मुलाकात के लिए टीम गई हुई थी। लगातार उनसे मुलाकात हुई क्योंकि देखिए लगातार कई बार अभ्यर्थी ज्ञापन दे चुके हैं, व्यक्तिगत जाके मिल चुके हैं, लेकिन मामला जस का तस बना हुआ है। कोई भी चीज़ें जो है सकारात्मक नहीं हो रही। जब भी उनसे बात किया जा रहा है केवल कोर्ट का अधीन, कोर्ट का निर्णय, कोर्ट का डायरेक्शन, तो कहीं ना कहीं देखा जाए 2 साल से ज़्यादा हो गए, 2018 की भर्ती है, 2 साल से ज़्यादा लगातार एमआरसी मामले पे धरना चला। उधर 8 महीने अभ्यर्थियों ने लगातार धरना दिए, इको गार्डन में लगातार धरना दिया, घेराव किया, लेकिन निष्कर्ष क्या निकला? कुछ नहीं। तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थी अब जो है एक बढ़िया प्लान बना रहे हैं। और हालांकि रणनीति बेहतर है सभी लोग जाएं, सभी लोग सम्मिलित हों, क्योंकि देखिए 6800 लोग जिनको नियुक्ति लेना है, लगभग 5 जनवरी की आई हुई लिस्ट है, आज मई बीत रहा है जून लगने को। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसी स्थिति रही, कोर्ट की सुनवाई भी उसमें भी जो 1.5 जुलाई की मिली, तो कहीं ना कहीं केवल मामला खींच रहा है। अगर इसी तरह खींचता रहा तो कहीं ना कहीं जो है 12460 वाला हाल ना हो, केवल कोर्ट कोर्ट खेला जाए। इसी के वजह में अभ्यर्थियों ने जो भी टीमें हैं उन्होंने निर्णय लिया। ये देखिए 6800 चयनित शिक्षक महाआंदोलन 30 मई के दिन। तो कहीं ना कहीं जो भी निर्णय लिया गया है टीम के द्वारा बेहतरीन निर्णय है और अच्छा निर्णय है। 30 मई संयुक्त लीगल टीम, सारी जानकारी है, देख लीजिए। सभी लोग अपने भविष्य के लिए, अपने चयन के लिए सहयोग करें। देखिए कुछ पोस्ट हैं, देखिए सरकार के 24 तारीख के काउंटर का व्यक्तिगत विश्लेषण, रावीन सिंह, सरकार 6800 सवर्णों को खुलकर बचा रही। कहीं ना कहीं जो गलतियां हुई हैं, जो लोग चयनित हैं, कोर्ट ने कहा भी था कि नोटिस सर्व कराया जाए, उनको बताया जाए, लेकिन उनके ही पक्ष में महेंद्र पाल वाली याचिका में सरकार जो है OBC SC को 6800 सीट देने का समर्थन कर रही। और कहीं ना कहीं सरकार ने गलती की और सरकार को रास्ता निकालना है कहीं ना कहीं। तो सबसे बड़ी चीज़ है, और सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि एक पद नहीं भर सकते। ध्यान देने वाली बात यह है, कोर्ट और एक सरकार एक दूसरे के पाले में 6800 रुपये की गेंद फेंक रहे। तो कहीं ना कहीं सीधा सा विश्लेषण यह किया जाए इस पोस्ट का कि देखिए जब तक धरना नहीं होता, जब तक संख्या बल में लोग नहीं आते, तो केवल सरकार, विभाग, कोर्ट केवल अभ्यर्थियों को गुमराह ही करेंगे। हालांकि जो भी निर्णय टीम ने लिया है, जो भी लोग चयनित हैं, जो भी उनके रणनीतिकार हैं, अगुवाकार हैं, उन्होंने सही निर्णय लिए और 6800 लिस्ट वालों को बिल्कुल एक साथ आना चाहिए। देखिए क्या है कि बहुत सारे लोग जब कहीं धरने की बात आती बहुत तीखा कमेंट करते हैं, ये है वो, ऐसी कोई चीज़ नहीं। यदि आप मेहनत किए हैं, आपको मिला है, यदि आपका चयन हुआ है, तो अब देरी करना उचित नहीं है। हालांकि देखिए मौका भी अच्छा है और बेहतरीन अवसर भी है, क्योंकि सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, ये तो सत्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है तो सीट देंगे ही देंगे, लेकिन विलम्ब हो रहा है, चीज़ें देरी से हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं यही देखने वाली बात होगी कि 30 की रणनीति बनी है, जो लोग चयनित है क्या करते हैं, और कहीं ना कहीं एक चीज़ है, सभी लोग संगठित हों तो जल्द से जल्द ज्वाइनिंग और नियुक्ति भी हो जाएगी, नहीं केवल मामला ऐसे ही खिंचता जाएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल से नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।